It's 4 p.m. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में तावन किया है. ये है पावर हेड क्लियर मैन. अब कुछ नहीं छुपाने को. कराची मेयर का इंतखाब, पोलिंग खत्म होने में एक घंटा बाकी. गहमा गहमी उरूज पर नामजद मेयर वसीम अख्तर ने वोट कास्ट कर दिया. अजब सियासत की गजब कामयाबी. जिला गर्बी में मामला चलाने के लिए मुत्तहदा और तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला लिए. पांच जमाती इत्तेहाद को सिर्फ 31 वोट मिले. पोलिंग स्टेशन के बाहर एएनपी, पीपल्स पार्टी, नून लीग का एहतजाज. हबीब बैंक चौरंगी पर धरना. इस मुल्क के अंदर ऐसे जब गद्दार होंगे तो ये मुल्क. प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल को धक्के पड़ गए. नून लीग के अमान आफरीदी ने माइक छीन लिए. पीटीआई ने मुत्तहदा को वोट देकर इत्तेहाद से गद्दारी की. लीगी रहनुमा का मौकफ. पीपल्स पार्टी के कारकुनों की नारेबाजी. डीएमसी मलीर में इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जियां. जियालों ने दिखा दिखा कर वोट कास्ट किया. एमकेएम अराकीन के पास पोलिंग कार्ड नहीं, वोट कैसे डाल रहे हैं. पीटीआई ने एतराज उठा दिया. हम इजाजत नहीं देंगे किसी आदमी को भी वोट देने की जिसके पास कार्ड नहीं. ठीक है, जेल से कराची को कैसे चलाया जाए, मेयर कैसे चलाएगा. वो चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड भी हम कायम करें. तो अगर वो ये चाहते तो ये रिकॉर्ड भी हम कायम करके दिखा देंगे और जेल से कराची को चला के दिखा देंगे. कराची का मेयर तो अपना ही होगा. साथियों की वसीम अख्तर को पेशगी मुबारकबाद. काम कहां से करेंगे. एमक्यूएम रहनुमा उलझन का शिकार. फारूक सत्तार को जेल से रिकॉर्ड काम की उम्मीद. ख्वाजा इजहार के लिए काम दुश्वार. जेल से बैठकर कराची की निजामत को चलाना बहुत दुश्वार होगा, बहुत नामुमकिन होगी. कुर्सी मिलने से पहले ही मुश्किल का सामना. नामजद मेयर सानहे 12 मई के मुकदमे में बाकायदा नामजद वसीम अख्तर ने सानहे में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया. इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पुलिस का अबूरी चालान मंजूर. मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब. अंदरूनी सिंध भी पोलिंग में गहमा गहमी. हैदराबाद में मुत्तहदा और पीपी आमने सामने. सक्खर में मेयर के लिए पीपल्स पार्टी का रास्ता साफ. वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती पर अहम इजलास. आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई शरीक. कौमी क्यादत का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद केस करने और रुकावटें फौरी दूर करने का फैसला. वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का कराची का दौरा. मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों इन्होंने कानून पास किया है कि एक पार्टी का लीडर एक इलेक्शन कैंपेन में शिरकत नहीं कर सकता. पार्टी लीडर क्यों इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सकता. जहलम में हर सूरत जलसा होगा. कप्तान का ऐलान. खेवड़ा में खिलाड़ियों का धमाल. नौजवानों की बड़ी तादाद हेलीपैड पर मौजूद. एग्जेक के सीईओ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस कालेदम करार. सिटी कोर्ट में शुएब शेख मुकदमे से बरी. एफआईए ने मुकदमा फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत दर्ज किया था. और आज होगा ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान. पहले वनडे में अजहर 11 इंग्लिश टीम से टकराएगी. टॉप ऑर्डर में तब्दीली का इम्कान. नई गेंद से उमर गुल फायदा उठाएंगे. आमिर की स्विंग करेगी मेजबानों को परेशान.